Assalamualaikum everyone. Welcome to the online series of zoology for this pandemic situation. Or first of all, I take my apologies for getting late to this subject. I was doing away with some of the problems और जो के इस कोर्स को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस थी इन ऑर्डर टू डिसाइड के हाउ शुड वी प्रोसीड विद आवर कोर्सेज. एनी हाउ वेलकम स्टूडेंट्स टू दिस ऑनलाइन सीरीज ऑफ आवर क्लासेज. और जो हमारा सब्जेक्ट है एनिमल बिहेवियर उसको कंटिन्यू करते हैं. सो थोड़ा सा हम जो है इसको लिंक करते हैं, टच करते हैं विद प्रीवियस लेक्चर्स. तो इफ़ यू गाइस रिमेंबर व्हाट वी हैड जस्ट स्टार्टेड टू डिस्कस इन आवर लास्ट लेक्चर्स बिफोर लॉकडाउन. सो वी वर बेसिकली वी जस्ट हैव हैड अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू चैप्टर दैट वाज लर्निंग एंड इट्स क्लासिफिकेशन. तो ज़रा हमने स्टार्टिंग लेक्चर में डिस्कस किया था कि हाउ शुड वी बेसिकली डिफरेंशिएट बिटवीन इननेट एंड लर्न्ड बिहेवियर्स. ठीक है, एनिमल बिहेवियर जो है हमने उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें पढ़ ली थी. ज़रा रिवीजन करना पड़ेगा, कोर्स से ज़रा गो थ्रू होना पड़ेगा. एनी हाउ थोड़ा हम लास्ट लेक्चर के साथ हम ज़्यादा पीछे नहीं जा सकते बिकॉज वी हैव टू मूव ऑन. ऑलरेडी वी आर गेट You got so late. We don't have much time for revisions and all. But पिछले लेक्चर के साथ टच करना इस वजह से भी ज़रूरी है. और ये आज का जो लेक्चर है ये ज़रा हमारा हमारी जो ऑनलाइन सीरीज़ है एनिमल बिहेवियर के सब्जेक्ट का, ये ज़रा इसका एक ट्रायल भी हो जाएगा. एंड आई वुड एक्सेप्ट योर सजेशन एज वेल के हाउ शुड वी प्रोसीड विद दिस कोर्स. ये हमारा मेथड होगा ऑफ लेक्चर जो मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ. ये आप लोगों को PDF के फॉर्म में इसके नोट्स भी मिलेंगे विद हाईलाइटेड पोर्शंस. वेल लेट्स किक ऑफ विद टुडेज लेक्चर. और जो एक इंट्रोडक्टरी आज का थोड़ा सा हमारा है, इसमें हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेंगे. तो हमने बेसिकली डिस्कस किया था कि एनिमल बिहेवियर बेसिकली ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू इननेट एंड लर्न्ड बिहेवियर्स. तो हमने ये बात की थी कि हाउ कुड वी डिफाइन दैट either this a particular behavior is learnt or innate. So this is a kind of a grey area. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि it's not full and final. देखें जैसे कि फिजिकल साइंसेज में, फिजिक्स में जो लॉज होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो गवर्न करते हैं कुछ कंक्रीट फिनोमिनन्स पे, कंक्रीट फिज़िकल फिनोमिनन्स जो कि चेंज नहीं होती. ठीक है, जो स्टार्ट ऑफ द यूनिवर्स से है, लाइक ग्रेविटी है, मोशन है, वट एवर. बायोलॉजिकल वर्ल्ड जोलॉजी एंड देन इन पर्टिकुलर एनिमल बिहेवियर इज़ काइंड ऑफ एन एरिया जहाँ कोई भी चीज़ फिक्स्ड नहीं है. लाइक सर्टन प्रिंसिपल्स आर देयर, बट ये जो एनिमल वर्ल्ड है दिस इज़ सो डाइवर्स, सो डाइवर्सिफाइड दैट वी हैव मिलियंस ऑफ स्पीशीज़. तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी स्पीशीज़ के अंदर कौन सा बिहेवियर इननेट है एंड कौन सा जो है वो लर्न्ड बिहेवियर है. फॉर दैट पर्पज़ साइंटिस्ट्स हैव वर्कड थ्रू आउट द ईयर्स, थ्रू आउट द डेकेड्स, थ्रू आउट द सेंचुरीज इन ऑर्डर टू क्वान्टिफाई सम ऑफ द प्रिंसिपल्स जिसके बेस पे हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं कि इस तरह, मतलब ये टाइप के बिहेवियर्स हैं जो कि इननेट है और जो ये लर्न्ड है. तो हमने पिछले लेक्चर में इस पे काफ़ी डिटेल में बात की थी. तो ये था कि ये डिपेंड करता है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़, इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट एंड ऑन्टोजनी. एंड ऑन्टोजनी लाइक लाइफ स्टेजेस मैटर करती हैं इसमें कि आया दैट एनिमल इफ़ इट्स इन जुवेनाइल स्टेज और सब अडल्ट स्टेज, सो इट माइट हैवंट डेवलप्ड द बिहेवियर लाइक एन एडल्ट, ऑल्दो इट हैज़ इननेट लाइक कैरेक्टर्स और इनबिल्ट जेनेटिक मेकअप फॉर दैट. और उसके लिए जो ऑर्गन्स हैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो वेल डिवेलप्ड होते हैं. बट अगेन
even then they can't master that behavior and they need some experience for that. So इस तरह से हम एनिमल बिहेवियर को क्लासिफाई करते हैं, इननेट बिहेवियर एंड लर्नड बिहेवियर्स को, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशीज, एनवायरनमेंट, लाइफ स्टेज एंड लाइक दिस. ठीक है. अच्छा, उसमें हमने जो डिस्कशन की थी, ज़रा आप पिछला लेक्चर देखें, इसके साथ कनेक्ट करते हैं उसको. तो आज हम एक शॉर्ट सा लेक्चर लेंगे अबाउट एक्सपीरियंस एंड लर्निंग. तो उसमें मोर और लेस ज़रा हम कुछ एग्जांपल्स वही डिस्कस करेंगे जस्ट टू गेट अ स्टार्ट, फिर हम आगे जाएंगे. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, दैट्स इम्पोर्टेंट. सो दैट इज़ एक्सपीरियंस एंड लर्निंग, लाइक हाउ मच एक्सपीरियंस काउंट्स इन लर्नड बिहेवियर्स. बिकॉज नेक्स्ट जो हमारा मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन है इस कोर्स का, दैट डील्स विद लर्नड बिहेवियर्स. हम उसके लर्निंग एंड लर्नड बिहेवियर्स के टाइप्स पढ़ेंगे, जो उसके बहुत सारे इंटरेस्टिंग टाइप्स है, जो आपका ऑलमोस्ट सारा सिलेबस जो है, लाइक 70% सिलेबस जो है, वो नेक्स्ट हमारा लर्नड बिहेवियर और उसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो हम उसमें डिस्कस करेंगे. तो इट्स लाइक अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द सिलेबस. तो बिफोर गेटिंग अ प्रॉपर स्टार्ट इनटू लर्नड बिहेवियर, हम आज ज़रा ये डिस्कस करते हैं कि एक्सपीरियंस का लर्निंग में क्या रोल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ज़रा इसको जो मैंने हाईलाइट किया है, इस पोर्शन को रीड करते हैं. सो वाइल मैनी बिहेवियर्स अपीयर इन देयर फुली फंक्शनल फॉर्म विदाउट एनी प्रीवियस प्रैक्टिस बाय द एनिमल, इस तरह बहुत सारे बिहेवियर्स हैं जो कि फुली फंक्शनल फॉर्म में इस्टेब्लिश होती हैं, बट दिस नॉट ट्रू फॉर ऑल, और डेवलप इन पैरेलल विद द एनिमल्स मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी एज इट मच्योर्स. मैनी डेवलप थ्रू अकोमोलेटिंग एक्सपीरियंस एंड देयर फॉर द एनिमल्स एबिलिटी टू अक्वायर एंड रिटेन इंफॉर्मेशन. तो क्या चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं. ठीक है, उसमें हमने पढ़ा कि कुछ जो है, मैनी बिहेवियर्स अपियर इन देयर फुली फंक्शनल फॉर्म. ओके, देयर आर सर्टन बिहेवियर्स जो कि फुली फंक्शनल फॉर्म में अपियर होते हैं. ठीक हो गया. जैसा कि हमने पिजन का के जो सॉन्ग है, उसकी जो वॉइस है, वो फुली डेवलप्ड फॉर्म में होती है. जो अडल्ट होते हैं वो, और जो यंग होते हैं वो, सेम लाइक डेवलप्ड साउंड होता है उनकी सॉन्ग जो है, वो डेवलप होती है. इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. दूसरा ये कि दे डेवलप इन पैरेलल विद द एनिमल्स मॉर्फोलॉजी. जैसे हमने लाइफ स्टेजेस की बात की कि कुछ एनिमल्स जो हैं दे ग्रो विद देयर लाइफ स्टेजेस. ठीक है. एंड फिजियोलॉजी, नो डाउट कुछ जो है वो डिपेंड करते हैं कि उनके ऑर्गन्स जो है वो फुली एडॉप्ट डिवेलप नहीं होते. दैट्स वाई वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर मास्टर नहीं करते. सो दैट्स वाई, और कुछ होते हैं जिनके ऑर्गन्स डिवेलप होते हैं बट स्टिल दे डोंट हैव एक्सपीरियंस फॉर देट. मैनी डिवेलप थ्रू एकमुलेटिंग एक्सपीरियंस एंड देयर फॉर द एनिमल्स एबिलिटी टू अक्वायर एंड रिटेन इंफॉर्मेशन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज एनिमल्स एबिलिटी टू अक्वायर एंड रिटेन इंफॉर्मेशन. इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एनिमल जो है वो नालायक है, वो जो है क्या करता है, सही से पिक नहीं कर पा रहा. जैसा कि आप लोग स्टूडेंट्स जो है लेक्चर के दौरान कुछ अटेंटिव होते हैं, कुछ नहीं होते, तो फिर बाद में बाज का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बाज का नहीं होता. ऐसा नहीं है. अब ये डिपेंड करता है, वही बात है अगेन, यहाँ पे चीज़ें आती हैं जैसा कि इन्वायरमेंट आता है, एवोल्यूशनरी जो है उस एनिमल का एवोल्यूशनरी हिस्ट्री उसकी जो है वो काउंट होती है. कुछ एनिमल्स शार्प होते हैं कुछ सेंसेस के अंदर, कुछ बाज सेंसेस में एक एनिमल शार्प होता है, बाज सेंसेस में दूसरे होते हैं. फॉर एग्जांपल जो प्रेडेटरी बर्ड्स हैं दे हैव शार्प आई साइट वाइल डॉग्स हैव शार्प सेंस ऑफ स्मेल. इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. तो डिपेंड करता है एनिमल कैसे अक्वायर करता है, उसकी एबिलिटी है जो इंफॉर्मेशन को रिटेन करना, दिस इज़ एक्सपीरियंस. सो यहाँ पे जो एग्जांपल है, मैं मज़ीद टेक्स्ट रीड नहीं करूँगा. इस पैराग्राफ में जो एग्जांपल है वो है जो बर्ड्स के अंदर फूड आइटम्स जो क्या है, फीडिंग बिहेवियर है, फीडिंग स्किल है बर्ड्स का. तो कुछ बर्ड्स हैं जैसे स्पैरोज एंड टिट्स, ये हमारे पास दो ग्रुप्स हैं बर्ड्स की. ठीक है. तो स्पैरोज एंड ग्रेट टिट्स पेरस मेजर में
क्या करते हैं यंग बर्ड्स अटेम्प्ट दिस एट फर्स्ट एनकाउंटर, क्या चीज़ दे उनमें एक बिहेवियर है कि मैनी स्मॉल पेसराइन बर्ड्स सच एज स्पैरोज एंड टिट्स होल्ड डाउन फूड आइटम्स विद वन और बोथ फीट वाइल पैकिंग एंड टेयरिंग एट देम। कुछ बर्ड जो है वो डायरेक्टली फूड पैक करते हैं फ्रॉम द ग्राउंड, जैसे आप डोमेस्टिक चिकन्स देख लें, ठीक है, इस तरह बहुत सारे बर्ड्स हैं जो कि डायरेक्टली पैक, कुछ बर्ड्स होते हैं जो कि पैकिंग कहते हैं चुकना, ठीक है, चुकना मतलब चुनना, जैसे कि वो बीक से जो है फूड आइटम पिक करते हैं, आपको पता है। सो तो वो बिफोर पैकिंग दैट फूड आइटम उसको होल्ड करते हैं उसके अपने उसमें फीट में या जो उसके क्लॉज होती हैं उसमें। तो यंग बर्ड जो है वो अटेम्प्ट करते हैं बट देयर अर्ली एफर्ट्स आर क्लम्जी एंड इनइफेक्टिव। वो ट्राई करते हैं बिकॉज अब देखें यहाँ पे उनके बीक्स भी वेल डेवलप्ड हैं, उनके जो क्लॉज है वो भी वेल डेवलप्ड हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये वो बिहेवियर भी उनको फुली तरह से, तो वो इसको इस स्किल जो है ये स्किल वो डेवलप करते हैं थ्रू एक्सपीरियंस। द स्पीड विद विच दे अक्वायर एडल्ट कॉम्पिटेंस हाउ एवर डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सपीरियंस दे हैव विद सूटेबल ऑब्जेक्ट्स। तो जितना सूटेबल ऑब्जेक्ट्स के साथ ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ही वो जल्दी लर्न करेंगे। तो यही एक्सपेरिमेंट की सॉरी एक्सपीरियंस की बात है। यहाँ पे एक और एग्जांपल यंग स्क्विरल्स की है, ठीक है, जो कि रेड स्क्विरल्स साइयूरस वल्गेरिस की है, ठीक है। तो सिमिलर वो भी है कि उनमें भी टीथ डेवलप होते हैं लेकिन कुछ नट्स को जो है वो क्या करते हैं इजीली, जो एडल्ट है वो इजीली जो है वो नट्स को तोड़ देते हैं, जबकि नाइव इंडिविजुअल जो है वो हैपहेजर्डली करते रहते हैं, फिर वो एज के साथ सीखते रहते हैं। और एक एग्जांपल जो हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में वो ज़रा अभी रिपीट भी कर देते हैं और वो यहाँ पर रिलेट करिए, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ सॉन्ग बर्ड्स, बर्ड सॉन्ग जो के है के फिंचेस, ठीक है, फिंचेस जो है ये एक उनकी स्पीशीज़ है। उसमें हमने जैसे पढ़ा था कि इनके जो इनका जो साउंड क्या है सॉरी बर्ड सॉन्ग है, तो ये सॉन्ग डेवलप होता है बेसिकली थ्री स्टेजेस के अंदर थ्रू थ्री वेल डिफाइंड स्टेजेस। द फर्स्ट इज़ नोन एज सब सॉन्ग। सब सॉन्ग जो है दिस इज़ लिटिल मोर देन अ सॉफ्ट फीचरलेस बैबल संग एट द एंड ऑफ द बर्ड्स फर्स्ट समर, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो जब बेबी बर्ड हैच होते हैं तो फर्स्ट समर में जो एक सिंपल सा उनका सॉन्ग होता है दैट इज़ सब सॉन्ग। फिर नेक्स्ट स्प्रिंग में सेकंड स्टेज में जाते हैं विच इज़ कॉल्ड प्लास्टिक सॉन्ग, ठीक है। प्लास्टिक सॉन्ग इज़ द सेकंड स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सिंगिंग बिहेवियर, जिसमें बर्ड्स जो है सेकंड ये ज़रा सब एडल्ट होते हैं, नेक्स्ट सीजन तक ज़रा थोड़े ग्रो कर जाते हैं, बट स्टिल दे डोंट हैव द मास्टर ऑफ फुल सॉन्ग। एंड देन फाइनल सॉन्ग इज़ द फुल सॉन्ग इन विच मोस्ट ऑफ द राइट सिलेबल्स बट इट लैक्स ऑर्गेनाइजेशन इन टू फ्रेजेस। अच्छा, जो प्लास्टिक सॉन्ग है ये सिमिलर होता है फुल सॉन्ग के, यहाँ पे लिखा है, लेकिन उनमें कुछ सिलेबल्स मिसिंग होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं होती, इन अदर वर्ड्स सुरताल जिसे कहते हैं, ठीक है, म्यूज़िकल लैंग्वेज में। तो वर्ड्स ठीक होते हैं, सिलेबल्स ठीक होते हैं, लेकिन वो सुर नहीं होता उसके अंदर जो कि एक एडल्ट बर्ड का होता है, तो वो इमर्ज होता है फिर जब वो एडल्ट बन जाता है, ठीक है। नाउ दिस इज़ द एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे आप नहीं कह सकते कि जो बर्ड सॉन्ग है दैट इज़ आइदर इट इज़ इननेट बिहेवियर और लर्न बिहेवियर, तो हाफ इट इज़ इननेट बिकॉज व्हेन बर्ड गेट हैच्ड सो दे साइमल्टेनियसली दे स्टार्ट सिंगिंग बट दे डोंट हैव डेवलप्ड सॉन्ग्स, सो दिस इज नाउ लर्निंग। सो लर्निंग एंड इननेट एंड लर्न बिहेवियर्स आर लाइक इन क्लोजली रिलेटेड और लिंक टू ईच अदर। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको कोट किया गया है। एक एक्सपेरिमेंट वॉज डन बाय
Notibom in 1965 he defined birds at different stages of song development. तो ये जो proposition है, ये जो experiment है that was done by this man, और इसने कुछ birds को जो है different life stages पे deafen किया था, उनको deaf कर दिया था, they were unable to hear then. So उसने observe किया कि अगर young stage पे उसको deaf किया गया, so they didn't develop the full adult song. ठीक है, तो इस तरह ये एक्सपेरिमेंट है, दैट वॉज शॉर्ट अबाउट इननेट वर्सेस लर्न्ड बिहेवियर, और जिसमें इननेट और लर्न्ड बिहेवियर के बीच में हमारे पास क्या कनेक्शन है, एक्सपीरियंस का. ठीक हो गया, अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे इंशाल्लाह. हमारे नेक्स्ट प्रॉपर लेक्चर में वी विल स्टार्ट लर्निंग एंड इट्स क्लासिफिकेशन, जिसमें हमारे पास बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग हमारे पास एग्जांपल्स हैं, टाइप्स हैं. ठीक है, हम इसमें हैबिचुएशन पढ़ेंगे, इम्प्रिंटिंग पढ़ेंगे, लेटेंट लर्निंग पढ़ेंगे, दैट्स होल लॉट ऑफ थिंग्स ऑन आवर प्लेट. सो आज के लिए दैट वाज इनफ जस्ट टू गेट अ स्टार्ट. और अगेन आई वुड रिपीट दैट आई नीड सजेशंस फॉर दिस मेकेनिज़म, दिस मेथड ऑफ लर्निंग. जो हम यहाँ मैं टॉपिक लर्निंग की बात नहीं कर रहा, अपने आप लोगों की लर्निंग की बात कर रहा हूँ कि आप किस तरह से अच्छे से लर्न कर रहे हैं. आइदर दिस, ये जो मैं मेथड कर रहा हूँ, अगर ये आपको पसंद आ रहा है सो वी विल कंटिन्यू दैट. और क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ये ऐसा है कि इट इज़ मोर ऑफ लाइक जैसे विजुअल्स, और उसमें उससे ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम डिफरेंट सोर्सेज यूज़ करेंगे. सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज लेक्चर दैट वाज अबाउट एक्सपीरियंस एंड लर्निंग. तो इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़ी या कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस है ऑफ दोज सॉन्ग्स, एंड यहाँ पे लास्ट में हम एक ये पैराग्राफ रीड करते हैं, तो फिर इसको वाइंड अप करते हैं. सो एक्सपीरियंस कैन प्ले अ क्रूशल रोल इन हॉनिंग बिहेवियर. इंडीड इट मे बी द डोमिनेंट शेपिंग फोर्स इन मैनी केसेस, बट हाउ एग्जैक्टली डज एक्सपीरियंस चेंज बिहेवियर. इज इट्स पोटेंशियल ओपन एंडेड, और are there limits to what it can achieve? These questions take us into the realm of learning. अच्छा, यहाँ पे क्या है? So experience can play a crucial role in honing. अच्छा, ये honing behavior, I guess it's a second word for singing behavior. Let's search it anyhow for confirmation के यहाँ पे honing का word use हुआ है. मैं first time सुन रहा हूँ, so let's search it. I guess it's for the same singing behavior. और चलिए देख लेंगे फिर. अच्छा, यहाँ पे बात क्या है कि indeed it may be the dominant shaping force in many cases. Experience की बात करें कि ये dominant shaping force है most of the cases में, कि जितने भी behaviors develop होंगे तो उसमें experience का role होगा. But how exactly does experience change behavior? कैसे जो है एक्सपीरियंस कैसे एग्जैक्टली चेंज कर सकता है बिहेवियर को? इज इट्स पोटेंशियल ओपन एंडेड, क्या ये जो एक्सपीरियंस है सिर्फ एक्सपीरियंस ही जो है वो काफ़ी है, या इट्स एन ओपन एंडेड, इसका जो पोटेंशियल है उसकी जो क्वालिटी है वो ओपन एंडेड है, इसमें और चीज़ें हो सकती है, और आर अदर लिमिट्स देयर लिमिट्स टू व्हाट इट कैन अचीव, या जो है एक्सपीरियंस लिमिटेड है कुछ टाइम पे, कुछ एक्सटेंट तक जो है हमारे पास एक्सपीरियंस काम करेगा, काउंट होगा, बट उसका लिमिट होगा हमारे पास, उसकी लिमिट होगी, सॉरी काके की मिस हो जाता है. ओके, दीज क्वेश्चंस टेक अस इनटू द रीम ऑफ लर्निंग. अच्छा, अब जहाँ पे हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस का जहाँ तक रोल है, तो ओके हमने माना कि एक्सपीरियंस मैटर करता है, बट अगर हम कहें कि एक्सपीरियंस जहाँ पे लिमिट हो जाता है, तो उसके बाद क्या चीज़ आती है? दैट टेक्स अस टू द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग. सो लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम दिस, और जहाँ पे एक्सपीरियंस सिर्फ जो है, अब एक्सपीरियंस लर्निंग में क्या बेसिक डिफरेंस है वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट जब लर्निंग हम स्टार्ट करेंगे. एनी हाउ दैट्स इट फॉर टुडे, एंड साइनिंग आउट फॉर टुडेज लेक्चर. सी यू इन द नेक्स्ट. थैंक यू.